हमारे बिहार पूर्वोत्तर क्षेत्र पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी जोन और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सवेरे से आप लोग हमारे साथ बैठे हैं, हम भी आपके साथ बैठे हैं, आप भी हमारे साथ बैठे हैं। थक गए होंगे आप लोग, बोल सुन रहे हैं, हम लोग बोले जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको भी बोलने का समय मिला होगा। जब पारस्परिक चर्चा का क्रम चला, जिसके निष्कर्ष आदरणीय कपिल जी ने सुनाए और आदरणीय गौड़ जी भाषण सुनाए, वास्तव में ये जो कार्यशाला है ये कार्यकर्ताओं के और केंद्रीय तंत्र के बीच में आदान प्रदान का एक क्रम है। इसके माध्यम से हम मिलते हैं तो हम लोगों के बीच में प्यार बढ़ता है, आत्मीयता बढ़ती है, गुत्थियाँ सुलझती हैं। हमारे यहाँ आपस में मिलने का क्रम, प्यार से मिलने का क्रम बहुत कम हो पाता है। यदि हमारे ट्रस्टीगण, जिला समन्वय समिति के लोग आपस में मिल बैठ के अगर सप्ताह में एक बार भी मिल बैठें, 10 दिन में एक बार मिल बैठें, महीने में एक बार मिल बैठें, तो वो आपस में जो प्यार पैदा होगा, अपनत्व पैदा होगा, उससे इतना बढ़िया संगठन का स्वरूप बन के तैयार हो जाएगा, क्या बात है। और हमारे विजय जी ने मांग कर दी कि साल में एक बार ये कार्यशाला जरूर होनी चाहिए। हमारे 18 कार्यशाला हो चुकी हैं, मतलब हमारे 36 दिन तो उन्होंने बुक कर दिए पूरे वर्ष भर में। 36 दिन हमको बाहर रहना चाहिए, और आने जाने के आप 36 दिन और जोड़ लिए तो 72 दिन हमको बाहर रहना चाहिए। निश्चित रूप से अभी तो पहले जो 18 कार्यशाला हुई, उन 18 कार्यशालाओं के माध्यम से अभी उनका अनुयाज का क्रम चल रहा है, और हम 1.5 दिन की कार्यशाला वहाँ पर जहाँ पर पहले हो चुकी, टाटा में हो चुकी, विभिन्न स्थानों पर हो चुकी, ऐसे सिलीगुड़ी में हो चुकी, इन सब कार्यशालाओं का अनुयाज चालू करेंगे। क्या किया, आखिर हम लोग कहाँ तक पहुँचे और किस दिशा में पहुँचे, वो सब बात करेंगे। पहले आसपास एक वातावरण तो बने प्यार का, आत्मीयता का। एक छोटा सा गाना है, फिल्मी गाना है, सुन उसकी लाइन बोल रहा हूँ, मुझे गाना पूरा नहीं याद है। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। देखो आपको मालूम है, मुझे नहीं मालूम। जब हम आपसे कह रहे हैं तो जब आप लोग आपस में मिलोगे तो आपस में एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, एक दूसरे को ऊंचा उठाने की बातें होंगी। ये कार्य समिति, ये जो कार्य आज जो गोष्ठियां हुई हैं, कल से जो गोष्ठी चल रही है, और ये जो वर्कशॉप हुई है, इसका एक ही उद्देश्य है, आपस में प्यार विकसित करके मिशन के भावी दृष्टिकोण, मिशन की भावी विचारधारा, और आने वाले समय के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है, हमें साधनात्मक दृष्टि से अपने जीवन को कैसे ऊंचा उठाना है, इसके बारे में। तो सबसे बड़ा आभार जो व्यक्त करना चाहिए वो शांति कुंज की ओर से आप लोगों को व्यक्त करना चाहिए कि आप सब इस कार्यशाला के लिए आए। आपको भाव भरा आभार, भाव भरा अभिवादन। आप में से ही वो लोग निकलेंगे जो आने वाले दिनों में नरेंद्रनाथ बनेंगे, स्वामी विवेकानंद बनेंगे, निवेदिता बनेंगे और सिस्टर क्रिस्टीना बनेंगे। ऐसे लोग बनेंगे जिनको आगे चल के मिशन की बहुत भावी योजनाओं को अंजाम देना है। युवा शक्ति हमारे बीच में बैठी है, उस युवा शक्ति को बहुत बड़े बड़े काम करना है, पर वो काम करने के लिए हमें बहुत लंबी यात्रा है। उस यात्रा में हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पाथेय। पथ में काम आए वो पाथेय, जो हमें साथ चलते समय हमें जो उपयोगी चीज जरूरी है। जैसे आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए यहां से आप गया गए और आप सुबह निकले और शाम को पहुंचे, मुझे नहीं मालूम कितनी देर लगती है गया पहुंचने में पैसेंजर ट्रेन से, पर रास्ते में आप क्या रख लेते हैं, पूरी सब्जी अचार, मालूम नहीं बिहार में दही चूड़ा, लिट्टी चोखा, जो भी परंपरा हो। मैंने इन सब चीजों को चखा नहीं है अभी तक, मुझे बिहार वालों ने मौका नहीं दिया अभी तक, तो मैं इस कमी को साथ लेकर जा रहा हूं कि आने वाले दिनों में बिहार के लोग आएंगे तो इनसे कहूंगा भाई बनाओ यहां पर, खिलाओ मुझे हरिद्वार में, ताकि पता तो चले कि क्या होता है। भाइयों बहनों, ये जो रास्ते का पाथे है, ये भोजन है। भोजन तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, भोजन थोड़ी देर काम आता है फिर चला जाता है, पर आध्यात्मिक आहार हमेशा जीवन भर चलता रहता है। यदि आप इतने दिन की सुनी, कल सुबह से लेकर अभी तक की सुनी हुई बातों को यदि आप अंतिम चोट देना चाहते हैं तो कार्यकर्ता पाथे सुन लें। कार्यकर्ता को पथ में काम आने वाली उपयोगी बातें, यदि ये आपके जीवन में उतर गई तो आपके जीवन में एक प्रकार से एक
कार्यकर्ता जो है उसका निखरा हुआ स्वरूप प्रकट हो जाएगा और आप देखते देखते बहुत बड़ा काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। ये जो कार्यकर्ता पाथे है लोक सेवियों के लिए गुरुवर के दिशा दर्शक सूत्र हैं, ये हमेशा काम आएंगे। आप यहां से जा रहे हैं आपके जीवन भर काम आएंगे, इस तरह की बातें हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है दीपक की तरह प्रकाशवान बने, आलोक का वितरण करें, भले इसमें संचित संपदा चुकती हो, भले इसमें जलन सहनी पड़ती हो। दीपक जलता है, जलन जलता है, घी जब तक चुक नहीं जाता तब तक जलता रहता है। दीपक में जलन है पर प्रकाश है, उल्लास है, आभा है। ओलों का अनुसरण न करें जो बादलों पर घूमते हैं, सफेद ठंडे भी दिखते हैं किंतु गतिविधियों का लेखा जोखा लेने पर फसल को गलाने और अपने जलाने और अपने को गलाने में ही उनके संपदा का अंत दिखता है। ओले समाप्त हो जाते हैं कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में ओलों की जो वो है संपदा वो समाप्त हो जाती, गल के पानी बन जाते हैं। राजनीति का अनुकरण करके राजनीति वालों के आकर्षण में आके गायत्री परिवार के कार्यकर्ता फंसे तो गुरुदेव ने कहा है बेटा आने वाले जमाने में ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हारी मर्जी से वहां का पत्ता हिलेगा और राजनीति के लोग आके तुम्हारे चरणों में पिटेंगे, गिरेंगे, तुम्हारे चरण छुएंगे। तुम कभी राजनीति में जाके अपने को बर्बाद मत करना। तो मित्रों ये काम हमको नहीं करना है, क्या करें, दीपक बनिए, ओले मत बनिए। यह पहला गुरुदेव का संदेश। परम पूज्य गुरुदेव ने जनवरी 1990 में जो अखंड ज्योति का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ जनवरी का, उसमें लिखा है शांति कुंज के महागरुड़ ने अपने अंडे पंखों के नीचे रखे हैं, अंडे बाहर निकलने की जल्दी नहीं करें। परम पूज्य गुरुदेव आश्वासन देते हैं भैया हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जनवरी 90 में लिख रहे हैं, भविष्यवाणी कर चुके हैं कि शरीर छोड़ने वाले हैं, पर वो कह रहे हैं जल्दी मत करो, सब समय आने पर होगा। इसलिए हमें अपनी गुरु सत्ता पर एक विश्वास भरोसा होना चाहिए, जब वो साथ है तो हमें किस बात की चिंता है। हमें सर्वश्रेष्ठ गुरु मिला पर हमने चोट नहीं खाई, वो हमको चोट मारते रहे, हम चोट खाने से डरते रहे, गले नहीं तो कच्चे रहेंगे ही। चोट खाते रहने का अभ्यास करें, आपको चोट देंगे, आपको दुख आएंगे, जीवन में कष्ट आएंगे, पर उन कष्टों को सहन करिए, कष्ट को दुख को तप बना लीजिए, सुख को योग बना लीजिए, भोग बनाकर नष्ट मत कीजिए। आप देखिए कि आपका गुरु आपको सब कुछ देता चला जाएगा, आपके गुरु के पास सब कुछ है, आप विश्वास रखिए। कार्यकर्ता अहमन्यता के विषपान से बचें, आपके ऊपर श्रद्धा उपजेगी, सम्मान बरसेगा। कई बार लोग आपको कहने लगेंगे अरे गुरुजी आए हमारे यहां, अब गुरुजी तो उन्होंने देखे नहीं, पर जो कार्यक्षेत्र का आदमी है वो पीले कपड़े पहने कार्यकर्ता को बहुत महत्वपूर्ण मान बैठा। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि इतना बड़ा काम हुआ कि नशा छूट गया, इतना बड़ा काम हुआ कि रोजगार की व्यवस्था बनने लगी, स्वावलंबन के काम होने लगे, इतना बड़ा काम हुआ कि विश्वविद्यालय के लिए पृष्ठभूमि बनने लगी, जमीन दान में मिल गई। तो आपके प्रति सम्मान बरसेगा, लोग आपके लेक्चर सुनेंगे, लोग आपके लेक्चर सुन के आपके ऊपर फूल बरसाएंगे और कहेंगे कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। श्रद्धा उपजेगी, सम्मान बरसेगा, पर इसको यश को हजम करने हेतु साधना चाहिए। यदि यश हजम नहीं हुआ बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, अहंकार में बदल जाएगा, आपको लगेगा मैं, आप देखिए मेरा प्रवचन कितना बढ़िया था, आप बोलेंगे, और मेरे प्रवचन को प्रभावित होकर सारे गांव वाले आए, अरे तुम नहीं बोल रहे थे, गुरुदेव बोल रहे थे। बाबा अगर तुम बोलते तो तुम्हारी कमियां न जाने कितनी निकल के आती, तुम्हारे पीछे गुरुदेव ने शक्ति लगा दी। ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता जब गुरुदेव का संदेश दे रहे होते हैं तब पीछे से गुरुदेव बोल रहे होते हैं, पीछे से गुरुदेव बोल रहे होते हैं, आप नहीं बोल रहे, आप गुरुदेव के स्वयंसेवक हैं। ये हमेशा भाव रखिए मन में। आहार हजम नहीं होगा तो विष बन जाएगा, धन हजम नहीं होगा तो दुर्व्यसन बन जाएगा, बुद्धि हजम नहीं होगी तो कुचक्र में लगेगी, इसको इससे लड़ाना, इसको इससे लड़ाना, उसको इसको लड़ाना, एक ही काम मोबाइल पे लेकर के इसको कैसे लड़ाएं एक दूसरे से, बस बुद्धि हजम नहीं हुई तो, बुद्धि को हजम करना बहुत जरूरी है। बल हजम नहीं होगा तो उद्दंडता, साइकिल की चेन हाथ में लेकर के, हॉकी हाथ में लेके, डंडा हाथ में लेके, आज किसको उजाड़ें, आज किसको मारें, चलो चक्का जाम करते हैं, मालूम नहीं क्यों करते हैं। और यश हजम नहीं होगा तो बोलिए, यश हजम नहीं होगा तो अहंकार के रूप में निकलेगा, और यह अहंकार आपको पहचानना पड़ेगा मित्रों, यदि आपने नहीं पहचाना तो आपको यह अहंकार खा जाएगा, समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा। सारी सुनी हुई बातें बहुत अच्छी, पर इस क्षेत्र में जब कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपके गले में माला डाली जाएंगी, आपको क्या लगेगा, देखिए मैं मेरी वजह, कभी मत सोचना आपको नहीं, अपनी वजह से नहीं मिल रही। श्रेय सम्मान यश यदि पचेगा नहीं
उद्दत हो जाएगा तो पागल हाथी की तरह अपना अपने साथियों का संगठन का विनाश करेगा। समूचे खेत में एक एरंड ही कल्प वृक्ष होने की शक्ति बिगाड़ता है। मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ सारा मेरे ऊपर चल रहा है। इस जिले में मेरे बिना कोई काम नहीं चलेगा। मैं जब आ जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। कम से कम आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं नहीं बोलना है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमको यह कहना है कि हमें एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है, इससे बचना है। अहंकार की तुष्टि के कारण ही लोक सेवी का चिंतन, चरित्र, व्यक्तित्व पतित होता है। वे स्वयं अपने पतन का, उनका खुद का पतन होगा। संगठन में विग्रह का कारण बनते हैं। एक आदमी अपना दिखावा करता है तो दूसरा आदमी के मन में जलन पैदा होती है। दोनों आपस में लड़ बैठते हैं, पब्लिकली कभी कभी दिखावा हो जाता है इसका, जब लड़ाई का बहुत दिक्कत होती है। एक दुर्भाग्य, गुरुदेव लिखते हैं, एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है, एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है। इस एक्सीडेंट को मत होने दीजिए, कृपा करके इस एक्सीडेंट से बचने का प्रयास कीजिए। यदि एक्सीडेंट हो गया आपके जीवन में तो आप बर्बाद हो जाएंगे। उदाहरण हमारे सामने है, राजनीतिक पार्टियां नित पार्टी बदलती रहती हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। एक कहता है वो उन्होंने क्यों किया, वह बड़े समाज के दुश्मन है, दूसरे कहते हैं वो समाज के दुश्मन है, आपस में लड़ते रहते हैं। आप देख लीजिए, ये अहंकार की लड़ाई है। कौरव पांडव यादव कुल आपस में नष्ट हो गया पूरा के पूरा लड़ाई में, धर्म संप्रदायों के खंड खंड हो गए, न जाने कितने खंडों में विभाजित हो गए। और जो जिसके बारे में वीरेश भाई साहब ने भी कहा था, मैं भी कहता हूँ, सास बहू की लड़ाई है, ईगो की लड़ाई है। सास बहू की लड़ाई एक प्रकार से सुपीरियरशिप की लड़ाई है। मैं सुपीरियर हूँ, ये कहीं मेरे बेटे को अपने कब्जे में नहीं कर ले, मेरे बेटे को अपने कब्जे में नहीं कर ले, इसलिए वो पूरा के पूरा डाल डालती है, ननंद भी डालती है। मित्रों, ये सास बहू की लड़ाई अहंकार की लड़ाई है। इससे हम कैसे बचें, ये लड़ने का तरीका कैसे समाप्त हो, ये हमको एक क्रांति परिवार निर्माण के क्षेत्र में करनी है। पति का पत्नी पर आतंक, सारी दुनिया में युग निर्माण हो जाए। भाइयों, समय बदल गया है, अब आपको बदलना पड़ेगा। 21वीं सदी नारी सदी, जाग गई भाई, जाग गई नारी शक्ति, जाग गई। अब आपको भोजन बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। नारी शक्ति जाग गई है, वो चली जाएगी काम करने के लिए झोला उठा करके, आप खाना बना लेना, नहीं तो भूखे रह जाओगे। तीन चीजों से बचना है, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना। लोकेशना यानी अहंकार लड़ाता है आपस में। साधना में बैठे, ध्यान में बैठे तो सोचे कहीं लोकेशना हमें प्रभावित तो नहीं कर रही, कहीं पुत्रेशना मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा परिवार, इसको सबसे ज्यादा मिले, सम्मान भी मिले, ये भी आगे आ जाए, यही आगे आ जाए। फोटो खिंचाते हैं, सबसे पहले वही आगे ले आते हैं पूरे बच्चों का, अरे भैया ये बच्चे नहीं है तुम्हारे, इनको लेके आओ आगे। वित्तेषणा तृष्णा प्रभावित करती है, और जहां पैसा मिलेगा, हिसाब किताब कुछ नहीं रखेंगे, सारा पारदर्शिता का कोई हिसाब किताब नहीं है, सारा के सारा इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। ये तीन चीजें प्रभावित करती हैं मित्रों, और तीन चीजों से हमारा कार्यकर्ता गिरता है। तीन चीजें और हैं मित्रों, इनको भी देख लीजिए। मंचेषणा, मंच पे जाने की इच्छा, हे भगवान मैं मंच पे क्यों नहीं गया, वो पांच ही को क्यों बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। माइकेशना, मुझे भी बाइक पे बोलने की इच्छा थी, डॉक्टर साहब का गला खराब था, डॉक्टर साहब के बदले में मुझे बुला लेते, मैं और ओजस्वी वाणी में लेक्चर देता, मुझे माइक पे क्यों नहीं बुलाया बोलने के लिए। मित्रों, माइकेशना बड़ी खतरनाक होती है। फोटेशना, फोटो खिंचाने की इच्छा, डॉक्टर साहब के साथ मेरा फोटो होना चाहिए, पांव पकड़ लिए उधर देख रहा है, अब हमको समझ में नहीं तो उधर क्यों देख रहा है, कह रहा डॉक्टर साहब उधर देखिए, तो वो फोटो खींचने वाला आदमी फ्लैश लेके बैठा है, भाई साहब मुस्कुराइए, हम उनके लिए मुस्कुराएं, फोटो दें, पोज दें। ये फोटो खिंचाने के लिए जो मन में भाव होता है मित्रों, इससे हमको लगता है कि हम फोटो रखेंगे। अरे गुरुदेव का फोटो जीवन में रखो, दिल में रखो, और राम भगवान हनुमान जी की तरह से निकाल के दे दो, ये राम और सीता हमारे अंदर विराजमान। हमारे पास गुरुदेव के साथ का एक भी फोटो नहीं है मित्रों, आपको आश्चर्य होगा, हम 12 साल गुरुदेव के साथ रहे, पर गुरुदेव के साथ का एक फोटो केवल बसंत साठे के साथ घूमते हुए है, उसमें गुरुदेव आगे चल रहे हैं खादी का कुर्ता पहने हुए, और गुरुदेव जैसी शैली का कुर्ता पहने हुए, मैं करीब उनसे 4 फीट दूर चल रहा हूँ। बसंत साठे उस समय केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे, वो चले जा रहे थे, और एक योजना बनी थी हमारी कि किस तरह से IDPL को पुनर्जीवित किया जाए, और उस बात पे बातचीत करते हुए गुरुदेव जा रहे थे, तब उनके साथ एक फोटो किसी ने गलती से ले लिया था, मेरे पास रखा है। इसके अलावा गुरुदेव के साथ मेरा कोई फोटो नहीं। मशाल का चित्र अपनी जेब में भी रहना चाहिए, युग निर्माण सत्संकल्प भी अपनी जेब में रहना चाहिए। हम अध्यात्म क्षेत्र के पथिक, याद रखिए, आपसे कोई पूछे कि आपका रास्ता क्या है, स्पिरिचुअलिटी। हम अध्यात्म क्षेत्र के पथिक हैं, और अध्यात्म क्षेत्र की वरिष्ठता विनम्रता पर निर्भर है। आप जितने अम्बल बनेंगे, आप जितने विनम्र बनेंगे, उतना ही आपको सम्मान मिलेगा। याद रखें,
पार्थ नहीं, पार्थ सारथी की भूमिका है। आप पार्थ बन जाइए, आप अर्जुन बन जाइए और ये कहिए करिष्ये वचनम तव, जो आपने कहा है वो करेंगे और कुछ नहीं करेंगे अपने मन से। हम विनम्र पार्थ बने, जो कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, मैं कौन हूं। गुरुदेव कहते हैं लोक से भी सच्चे मन से यश पद लोलुपता अहंता छोड़े, विनम्रता अपनाएं, दूसरों को आगे रखें। भाई साहब हमने अकेले नहीं किया, हमारे यहाँ का जो संगठन विस्तार हुआ है उसमें ढेरों लोगों का साथ रहा है। देखिए पूरा का पूरा हमारा जिला साथ आया है, इनसे बात करिए, स्वयं पीछे रहिए और कहिए हम तो विनम्र सिपाही हैं, देखिए इन सब ने मिलकर किया है। वैसे विनम्रता में बिहार पीछे नहीं है, बहुत विनम्र है, बहुत विनम्रता से बात करता है, जब जरूरत आती है तो अखड़ भी हो जाता है, किसी अनीति के प्रति, किसी गलत काम के प्रति अखड़ भी हो जाता है, पर जब श्रेय लेने की बात आती है तो आगे आ जाते हैं। वहां हमको पीछे हो जाना है और अपना श्रेय बांट देना है, अपने यश का दान अपने साथियों में बांटना सीखिए। आप यश को बांट दीजिए सबको, इनको इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया, इसकी वजह से कार्यक्रम सफल हुआ। यदि आप यश को बांटेंगे तो यश बढ़ेगा, यश बटोरने से घटता है, बांटने से बढ़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है जो योग शिल्पी विश्व विनाश को रोकने चले हैं, यदि वे ही महत्वाकांक्षा अपनाकर साथियों को पीछे धकेलेंगे, अपना चेहरा चमकाएंगे तो अपने पैरों कुल्हाड़ी स्वयं मारेंगे। आप तो भैया युग निर्माण के लिए चले थे, विश्व विनाश को रोकने के लिए चले थे, पर आप तो आपस में टकरा गए। अपना चेहरा चमकाने के लिए दूसरों को पीछे मत धकेलिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है हर मिशन वंश का विस्तार करता है, हम लोग यदि नई पीढ़ी का निर्माण नहीं करते तो हम नरक जाएंगे। देखिए गुरुदेव ने कहा था बेटा 2000 के बाद तुम नई पीढ़ी का निर्माण करना चालू करो, अपने विकल्प पैदा करो। ये जो आज नई पीढ़ी खड़ी हुई है, जो हमारे साथ आई है, या आने वाले समय के कार्यकर्ता हैं जो इन मिशन को संभालेंगे, हम लोग पीछे से मार्गदर्शन करते रहेंगे और इनको बताते रहेंगे। आप देखिए कि मिशन और कई गुना बढ़ता चला जाएगा, कई युवा साथी आते चले जाएंगे। हमें देखना है हमारा मिशन युवा है कि नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ शांति कुंज के कार्यकर्ताओं की औसत आयु 27 वर्ष है, हमारा मिशन युवा है, शांति कुंज का केंद्रीय संगठन युवा है, औसत आयु 27 वर्ष है। यंग लड़के, यंग उभार में आने वाले लड़के वहां पर परमानेंटली आकर के रह चुके हैं और भारत के पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो युवा क्षेत्र में खूब काम कर रहे हैं, इनको मार्गदर्शन की जरूरत है। भगवान कृष्ण कहते हैं रास्तु यज्ञ में पाद प्रक्षालन, मैं पांव धोने का काम हाथ में लूंगा। गांधी जी ने कहा हम पदाधिकारी नहीं है भैया, हम कोई अध्यक्ष नहीं है, हमारा चवन्नी के भी मेंबर नहीं है, हम तो कांग्रेस के। राम भरत गेंद खेलते थे तो रामचंद्र जी भरत की तरफ से अपने ही पाले में गोल कर देते थे और भरत से कहते तू जीत गया यार, भरत कहता था आपने गलती से, आपने बेईमानी से जिताया मेरे को। तो बोले बेटा मैं ईमानदारी से खोलूंगा, खेलूंगा तो तू कभी नहीं जीत पाएगा, इसलिए मैं तेरे को श्रेय देने के लिए तू खेल तू जीत। दूसरों को जिताना भी तो सीखो, अपने आप को जिताते हो, दूसरों को जिताना सीखो, आनंद आएगा आपको। चाणक्य झोपड़ी में रहते थे, राजा जनक हल चलाते थे और उसी से अपनी आजीविका चलाते थे। राम शास्त्री एक न्यायाधीश थे जिन्होंने कि बाजीराव पेशवा के यहाँ नौकरी करके एक संकल्प लिया, मैं कभी भी तुम्हारे यहाँ का कुछ खाऊंगा नहीं, तुम्हारे यहाँ का कोई साधन नहीं लूंगा। गुरुद्वारे की कार सेवा करते हैं आप, हरमिंदर साहब पटना साहब यहाँ पर है, आप कल्पना कीजिए कि कार सेवा के माध्यम से ब्रिगेडियर की पत्नी, बड़े बड़े व्यापारियों की पत्नी चुन्नी से पहुँचती है सीढ़ियों को और एक प्रकार से अपने गुरु की सेवा करती है। उनके लिए गुरुद्वारा एक प्रकार का गुरु का शरीर है। क्या शक्तिपीठ आपके लिए गुरु का शरीर है? क्या आप वहां पे गंदगी पसंद करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि वहां सफाई होनी चाहिए? तो जाके चुपके से कर दो ना एक दिन सफाई, बताओ मत किसी को, वीडियो वालों को मत ले जाना साथ में, फोटोग्राफर्स को मत ले जाना कि झाड़ू लगा रहे हैं, फोटो खींच लेना भाई, फोटो भेजना शांति कुंज दिखाने के लिए कि हम गुरुद्वारे की सेवा करते हैं। वो कार सेवा मत करना, कार सेवा करो तो ऐसे भाव से करना, निष्प्रभ भाव से, कि कोई देखे नहीं देखे हम अपना काम करके चले आएंगे। आप सात दिन में से एक दिन अपने लिए रख लीजिए, 8-10-10-12 व्यक्ति भी रख लें तो हमारा शक्तिपीठ इतना नीट एंड क्लीन जैसे हॉस्पिटल में होता है वैसा दिखाई पड़ेगा। शांति कुंज साफ है, क्यों? वहां नियमित रूप से उस शांति कुंज रूपी गुरुदेव के शरीर की सफाई करने के लिए लोग मौजूद रहते हैं। ऐसे यदि आपके शक्तिपीठ और हर शक्तिपीठ में यह व्यवस्था हो जाए कितना बढ़िया क्रम बन जाए। मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करें, हम सभी इस विराट मिशन के अंग अवयव हैं, ये मान के चलिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, परम पूज्य गुरुदेव का निष्ठिक कार्यकर्ता का निर्देश पत्र जिसका उल्लेख आदरणीय वीरेश्वर भाई साहब, आदरणीय गौरीशंकर भाई साहब ने किया, सूक्ष्मीकरण साधना के दौरान लिखा था, एक बार से नित्य पढ़ें।
आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। आप हमारे कलेवर के अंग अवयव बनिए, आमंत्रण है, युग ऋषि का आमंत्रण है। आप हमारे कलेवर के अंग बनिए, उंगली बनिए, पोरुए बनिए, हमारे हाथ बन जाइए, आनंद आ जाएगा। जब गुरुदेव के आप अंग बन जाएंगे तो कितना बड़ा काम होगा। अरे आचार्य श्रीराम शर्मा का हाथ है, आचार्य श्रीराम शर्मा के अंग का एक अंश है। आगे वो कहते हैं हमारी योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना बड़ा उसका नाम युग परिवर्तन, युग निर्माण योजना। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। इसका श्रेय किसी को भी क्यों ना मिले, श्रेय के लिए आप चिंता मत करिए। कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का ना हो। आप सबको हनुमान बन जाना है। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। गुरुदेव कहते हैं स्वयं को अधिकाधिक विनम्र बनाएं, दूसरों को बड़ा माने, स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करें। इसी में आपका बड़ापन, आप बड़े कब हैं जब आप स्वयं सेवक हैं, नहीं तो आप छोटे हैं। स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करें। नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राई रत्ती त्रुटि तो नहीं रह गई। रोज अपनी अंतरात्मा से बात करिए। आलस से प्रमाद कहीं चुपके से आ तो नहीं गया। गुरुदेव आश्वासन देते हैं मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, अब से कई गुना। इसके लिए आप में ऊंचे स्तर की तत्परता चाहिए। ये विराट योजना पूरी होकर के रहेगी, देखना इतना भरे कि अग्नि परीक्षा के वेला में आपका शरीर मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं। श्रम मनोयोग त्याग और निरहंकारिता, चार सूत्र गुरुदेव ने दिए हैं। श्रम की वृत्ति, मनोयोग कंसेंट्रेशन, त्याग रिनन्सिएशन और निरहंकारिता, बिल्कुल ईगोलेस स्थिति। ये चार चीजों से आदमी ऊंचा बनता है। यदि आपको ऊंचा बनने का राजमार्ग पाना है तो इन चारों चीजों की प्रैक्टिस जीवन में चालू कर दीजिए। प्रज्ञा परिजनों का लक्ष्य क्या हो, गुरुदेव कहते हैं बड़प्पन की महत्वाकांक्षा घटे, महानता प्राप्ति की उत्कंठा उभरे, हर दिन नया जन्म हर रात नई मौत का चिंतन विकसित हो। परम पूज्य गुरुदेव ने चार सूत्र दिए हैं प्रतिभा परिष्कार के लिए, जो आप अपनी प्रतिभा को परिष्कृत कर सकते हैं। क्षमताओं का अभिवर्धन, कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसके बारे में कल की फिल्म में आपने सुना, हमारे डॉक्टर एपीजे कलाम साहब ने कहा कैपेसिटी बिल्डिंग इज द फर्स्ट प्राइमरी नेसेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए कहा, हम सबके लिए जरूरी है क्षमताओं का अभिवर्धन। आपके अंदर अनंत क्षमताएं भरी पड़ी हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन और आउट बाय एनी मीन्स, वर्क वर्शिप और कर्मयोग, एनीथिंग। व्यक्तित्व को आकर्षित बनाना, पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट, ये दूसरा गुण। और तीसरा है सुव्यवस्था, मैनेजरियल कैपेबिलिटी। आप सबके अंदर मैनेजरियल कैपेबिलिटी आना चाहिए, मैनेजमेंट की कैपेसिटी होना चाहिए, व्यवस्था बुद्धि से सोचना चाहिए। अब क्या होना है, आगे आने वाले समय में क्या होना है, 24 घंटे का टाइम टेबल बना कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट हुआ कि नहीं, ये मैनेजरियल कैपेबिलिटी है। अंत में है लीडरशिप स्किल, नेतृत्व का अग्रगमन। अग्रगमन की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, लीडरशिप की स्किल आपको अंदर डेवलप होनी करनी पड़ेगी। और यदि ये डेवलप हो गई तो प्रतिभा परिष्कार के चार सूत्र आपके जीवन में उतर जाएंगे। जनसंपर्क के कुछ अनुशासन है जिनको आपको फॉलो करना है। भाइयों चटोरेपन से बचिए, किसी के घर जाके अपनी स्वाद लिप्सा प्रकट मत होने दीजिए। दूसरा पॉइंट है मित्रों, गुरुदेव ने जो लिखा है महिलाओं से एकांत में वार्ता मत कीजिए। अकाउंट शीशे की तरह साफ हो, जहां से पैसा प्राप्त हो उसकी रसीद दें। व्यवहार में नम्रता, दूसरों के सम्मान का ध्यान रखें। वेश विन्यास में ब्राह्मणोचित सादगी रखें, श्रृंगारिकता से बचें। यह पूज्य गुरुदेव की किताब है लोक सेवियों के लिए दिशा बोध, जो हम यहाँ लेके आए हैं या रखिए, सबके पास है भी। पृष्ठ 18 पे गुरुदेव ने अनुबंध दिए हैं। 24 घंटे का आपका आचरण बोलता है, एक या डेढ़ घंटे का प्रवचन नहीं। लोग वही देखते सुनते उसी आधार पर मूल्यांकन करते हैं। मित्रों हमें बदलना पड़ेगा। अब मित्रों ये बात बिहार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्यकर्ता जाति पार्टी पंथ गुट स्थान के भेदभाव से ऊपर उठकर काम करें, ये मित्रों हमें ध्यान रखना है। हमारी जाति एक ही है, आचार्य श्रीराम शर्मा आचार्य के पुत्र, हम युग ऋषि के पुत्र हैं और इस नाते हम ब्राह्मण हैं। गुरु के वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानिए, ब्रह्म वाक्य मान करके उसके अनुशासन पर चलने का प्रयास कीजिए। उनके निर्धारणों के प्रति अटूट निष्ठा हो, आपको मान के चलना चाहिए। उन्होंने कहा है तो होकर के रहेगा। हर कार्य में आध्यात्मिकता की दृष्टि, भौतिकता की नहीं, आध्यात्मिकता की दृष्टि। स्वाध्यायशील बनिए, लेखन का अभ्यास करिए। आप जो भी कुछ लिखते हैं उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। चार चीजों को हमारे नियमित रूप से करना चाहिए, ध्यान जप प्राणायाम प्रज्ञा योग, आप फिट बने रहेंगे, फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली फिट। आप सभी को व्यवहार कुशलता आनी चाहिए, प्रशासनिक तकनीकी जानकारी होनी चाहिए, बोलने लिखने की योग्यता होनी चाहिए, कंप्यूटर का हिसाब किताब आना चाहिए, आपको गणित का हिसाब किताब आना चाहिए, कार्यक्रम का आय व्यय बनाना आना चाहिए। अगर आप इसमें पुअर हैं तो आपके ऊपर आरोप लग सकता है कि आपने घपला किया है। आप ऐसा मत करना। हमारे एच पी सिंह भाई साहब ने ये बात बताई थी, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि व्यवहार कुशल बनिए और अपनी चीज को ट्रांसपेरेंट रखिए। आत्मस्तुति और परनिंदा से बचिए,
ना अपनी स्तुति करिए ना दूसरों की निंदा। कल बताया इस बात को, श्रम एवं नीति से उपार्जित धन ही आजीविका का मुख्य आधार बने। संपत्तिवान होने के कारण किसी को भी श्रेय न दें, गुरुदेव कहते हैं न उनकी राह पर चलने की उतावली करें, इसमें जोखिम ही जोखिम है। हम बड़े परेशान हो जाते हैं, संपत्तिवानों के पीछे चल पड़ते हैं और उनको उनके साथ मिलने की कोशिश करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, संसार भर का इतिहास एक ही निष्कर्ष बताता है कि आदर्शवादी घटनाक्रम अभियान आंदोलन चलाने और व्यापक बनाने में मात्र वे ही लोग सफल हुए जिनने उत्कृष्टता को अपनी जीवनचर्या का अविच्छिन्न अंग बनाया, आदर्शों को प्रतिष्ठापित करने में उन्हें सर्वस्व लगा दिया। समयदानी इसी वर्ग को कहते हैं। गुरुदेव ने समयदानी की परिभाषा दी है। श्रेय अधिकारी ऐसे लोग बनते हैं, समयदानी ही युग धर्म में गुरुदेव कहते हैं। आगे कहते हैं, वास्तविक दान किसका है? प्रतिभा का। धन साधन उसी से उपजते हैं, प्रतिभा दान समय दान से ही संभव है। प्रतिभा बिहार के पास कम नहीं है, हम आपकी प्रतिभा मांग रहे हैं। यह ईश्वर प्रदत्त संपदा सबके पास समान रूप से विद्यमान है। यदि आप समय दान देते हैं तो मित्रों आपकी प्रतिभा का दान समाज के लिए, मिशन के लिए और युग निर्माण के लिए मिलना चाहिए। इसके लिए वानप्रस्थ परंपरा को पुनर्जीवित करें। उत्तम मध्यम कनिष्ठ स्तर के समयदानी आगे आए, जोनल स्तर के कार्यभार को संभालें। कोई शिकायत न करे कि हम आपसे समयदानी मांगते हैं, आपसे परिभाजक मांगते हैं। आप अपने आप को विकसित करिए और आप समयदान में आगे आइए और वानप्रस्थ स्तर के बन जाइए। 20 साल का आदमी भी वानप्रस्थी बन सकता है, युवा 25 साल का विद्यार्थी भी वानप्रस्थ बन सकता है। आपको केवल अपने अंदर को, अपने आप को विकसित करने की देर है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, युग परिवर्तन के पीछे महाकाल का संकल्प और निर्धारण है। युग संधि की 2020 तक की अवधि में आवश्यक समर्थता प्राप्त कर लेगा। अगले दिनों युग निर्माण जगह जगह से फूटेगा। समय रहते प्रवाह से जुड़ जाएं, नहीं तो पछताएंगे। मित्रों न जाने कितने संगठन इस काम में लगे हैं, वो सब जुड़ जाएंगे तो देखते देखते युग निर्माण दिखाई पड़ने लगेगा। तीन छलांग लगानी है वामन के तीन पग की तरह से, अब से लेकर शताब्दी वर्ष 2011-2012 तक, 3 साल की 30 साल का काम। 2012 से 2015 तक उपलब्धियों को पूर्णता तक पहुंचाना अनुयाज के माध्यम से, 2016 से 2020 तक प्रज्ञा आलोक को विश्वव्यापी बनाना, 2020 विजन 2020 सारा विश्व का जगत गुरु बनने जा रहा है भारत और उसका श्रेय मिलने जा रहा है मित्रों अखिल विश्व गायत्री परिवार को। आप इस श्रेय के अधिकारी बनने से चूकना मत, अपने आप को जोड़े रहना 2020 तक। इस समय का सबसे बड़ा कार्य है विद्या विस्तार, गुरु सत्ता के विचारों को जन जन तक पहुंचा देना। विदाई से पूर्व गुरुवर की व्यथा वेदना दिव्य संदेश। गुरुदेव कहते हैं, जिनने हमारी कुछ सेवा सहायता की है उसकी पाई पाई चुका देंगे। ना हमें स्वर्ग जाना है ना मुक्ति लेनी है, गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस जन्म में जिस जिसने जितना जितना उपकार किया है उसका एक एक कण ब्यास सहित हमारे 84 लाख चक्र में से भुगतान कर दिया जाए। ऐसा गुरु कहीं मिलेगा आपको जो आपने अगर 1 घंटे भी गुरुदेव का झोला उठाया हो तो गुरुदेव कहते हैं इसको वापस दे दो, इसको इसके बदले में इसको खूब दो और हमारे तप में से दो, हमारे तप की पूंजी में से दो। ऐसे गुरु मित्रों, ऐसे उदार दिल वाले और ऐसी महासत्ता अवतारी चेतना जो कहती है 84 लाख चक्र में से भुगतान कर दिया जाए, जो हमने पिछले जितने भी जन्म बिताए उन सब में से भुगतान कर दिया जाए। गुरुदेव आगे कहते हैं, लोगों की आंखों से हम दूर हो सकते हैं पर हमारी आंखों से कोई दूर नहीं होगा। हमारी आंखों से दूर नहीं, आप ये मत समझना कि आप कोई काम करते हो तो गुरुदेव नहीं देख रहे हैं। आपके अच्छे काम पे शाबाशी देते हैं, आपके बुरे काम पे आपकी भत्सना करते हैं और वो भत्सना आपको अंदर से सुनाई पड़ती है। जिनकी आंखों में हमारे प्रति स्नेह और हृदय में भावनाएं हैं उन सब की तस्वीरें हम अपने कलेजे में छिपा कर ले जाएंगे और देव प्रतिमाओं पर निरंतर आंसुओं का अर्घ्य चढ़ाएंगे। लोग हमें भूल सकते हैं पर हम अपने किसी स्नेही जन को भूलेंगे नहीं। आप भूल जाएंगे गुरुदेव को पर गुरुदेव आपको नहीं भूलेंगे। गुरुदेव आपके पीछे हाथ धो के पड़े रहेंगे कि बेटा तू मुझे छोड़ के गया कैसे, मैं तुझसे काम करा के रहूंगा। आपको और हम सबको इस गुरुदेव के संस्मरण, इस व्यथा वेदना को याद रखना है कि हम गुरुदेव से जुड़े हैं तो ऐसे जुड़े हैं मित्रों जैसे हमारा गर्भ नज्जू के माध्यम से बेटे का, एक अंदर गर्भस्थ बच्चे का मां से संबंध होता है, ऐसे हम गुरुदेव के गर्भ में, वंदनीय माता जी के गर्भ में विद्यमान हैं। हम कैसे टूट सकते हैं, हम कैसे दूर हो सकते हैं, हम कैसे किसी की वजह से गुरुदेव से दूर हो सकते हैं। गुरुदेव हमारे ऊपर सतत संरक्षण बनाए हुए हैं और हमारे लिए शक्ति की वर्षा कर रहे हैं। सत्यों की वापसी को संकल्पित शांति कुंज, ये हमारा विश्वविद्यालय, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद, उनका सतत संरक्षण ही हमारी भक्ति है और उन्हीं के लिए मरें, उन्हीं के लिए जिए, उन्हीं के लिए खपें। मित्रों आज का युग धर्म यही है, गुरु के लिए मरना, गुरु के लिए जीना, गुरु के लिए खपना। डू और डाई, करो या मरो का समय आ गया है। करी सेवा मरी सेवा, अभी इसके बाद ऐसा कोई समय बार बार नहीं आने वाला, यही समय खास है। आइए उस गुरु सत्ता को भावभरा नमन करें। आप सबको आज विदाई देते हुए भाइयों बहनों, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम आपसे अलग होकर के अपने पटना के भावनाशील परिजनों,
अपने पटना में इस कार्यशाला में आए हुए भावनाशील परिजनों से अलग होकर के जा रहे हैं, परंतु हमारे और आपके संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे गुरुदेव ने लिखा है। हम आपकी आंखों से दूर चले जाएंगे, पर हम आपके दिल में विराजमान रहेंगे। हमारी आंखों में भी जाते समय आंसू रहेंगे, आपकी आंखों में भी आंसू रहेंगे। आपको दो दिन की कार्यशाला रोज याद रहेगी और रोज आपको याद दिलाएगी कि कितना बड़ा कार्य हमारे को दिया गया है, और इस कार्य को करने के लिए गुरु सत्ता हमारे साथ है। सारा शांतिकुंज यहाँ आकर विराजमान हो गया और शांतिकुंज ने आकर के इतनी बड़ी शक्ति हमें दे दी। हम भगवान से प्रार्थना करें हमारे अंदर गुरु चेतना उतरित हो और हमें सतत मार्गदर्शन देती रहे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति।